महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और महाराष्ट्र के किसानों का कर्जा माफ करने का निर्णय लिया है। साथ ही में जो रेगुलर भरने वाले किसान हैं, जिन्होंने कर्जा समय पर चुकता किया है या चुकता कर रहे हैं, ऐसे किसानों को भी प्रोत्साहन के रूप में अनुदान देने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि सम्मान योजना के नाम से ये योजना तैयार की गई है। कुल मिलाकर 89 लाख किसानों को, 89 लाख किसानों को इसमें 34,000 करोड़ का फायदा होगा। अपने आप में ये बहुत बड़ी योजना है, जिसमें 1.5 लाख तक जिनका कर्जा है वो पूरा कर्जा हम माफ कर रहे हैं। जो बचे हुए किसान हैं ओवरड्यू, उनके लिए 1.5 लाख तक की ओटीएस की योजना हमने लाई है। और जो नियमित रूप से भरने वाले किसान हैं, उनको भी 25% या अधिकतम 25,000 तक अनुदान के रूप में देने का फैसला ये राज्य सरकार ने किया है। और देश की सबसे बड़ी किसानों को मदद की योजना आज महाराष्ट्र की सरकार ने घोषित की है। निश्चित रूप से राज्य के फाइनेंसेस के ऊपर प्रेशर आएगा, हमने उसका भी विचार किया है। उससे फाइनेंशियल स्थिति के ऊपर जो असर होगा, उसे कुछ चीजों के ऊपर हमको कंट्रोल लाना पड़ेगा, उसका भी विचार हमने किया है। और मूल रूप से इसको बैंकों के साथ चर्चा करके एक रीपेमेंट का शेड्यूल हम बैंकों से ले सरकार, इसका भी प्रयास हम करेंगे। ये इससे पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हो चुका है, तो उसी प्रकार से हम भी बैंकों के साथ टाइप करके एक पेमेंट का शेड्यूल लेंगे।